हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एशियन ग्रेनाइट और इंडिया लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इसमें एशियन ग्रेनाइट और इंडिया लिमिटेड की जो फाइनेंशियल डिटेल है वो यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट हम कवर करने वाले हैं। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार बने हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लें। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आइए चलते हैं एशियन ग्रेनाइट और इंडिया लिमिटेड के स्टॉक पे, screener.in पे। और एक चीज और है, ये जो वीडियो बनाया जाता है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से बनाया जाता है, ना कि यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से। अगर कोई भी आपको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। एशियन ग्रेनाइट और इंडिया लिमिटेड का स्टॉक करेंटली ट्रेड हो रहा है 89.7 के आसपास, और मार्केट कैप ये जो होल्ड करता है 1137 करोड़ का यहाँ पे होल्ड करता है। स्टॉक का इस साल का जो लो था 50 रुपये के आसपास था, और इस साल का हाई जो है 98 रुपीज के आसपास का था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे अगर आप देखोगे 1.21% है, और रिटर्न ऑन इक्विटी अभी माइनस में है। स्टॉक का फेस वैल्यू देखने को जो मिल रहा है वो यहाँ पे 100 है, बुक वैल्यू 98.1 के आसपास है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। इंडस्ट्री का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 53 के आसपास है। करंटली यहाँ पे जो कंपनी है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का नहीं दिख रहा है। कंपनी के ऊपर जो कर्जा है 248 करोड़ का यहाँ पे कंपनी के ऊपर कर्जा भी है। बेसिक डिटेल थी ये, और अबाउट में अगर जानना है क्या करती है कंपनी, तो ये टाइल्स मार्बल बनाती है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आप देख सकते हैं। चार्ट की बात करें तो चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एशियन ग्रेनाइट और इंडिया लिमिटेड ये जो लो बनाया था उसके बाद यहाँ पे अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यूसली करता गया, और 98 का हाई भी लगाया है। क्योंकि अगर आप देखोगे 10 साल के चार्ट के अभी लोवेस्ट वैल्यूएशन पे हैं यहाँ पे एशियन ग्रेनाइट और इंडिया लिमिटेड, और ये 385 का हाई भी लगाया है, तो उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल देखने को मिला है। फाइनेंशियल देख के समझ में आएगा कि फाइनेंशियल किधर जा रहे हैं और प्राइस किधर है। पीयर्स में अगर आप देखोगे, पीयर्स में एशियन ग्रेनाइट अभी यहाँ पे चौथे पोजीशन पे पहुँच गया है, पहले ओरिएंट वेल इसके ऊपर था और एशियन ग्रेनाइट इसके नीचे था। अभी सौम्या सिरामिक जो है अभी इसके ऊपर है, तो आने वाले टाइम में एशियन ग्रेनाइट सौम्या सिरामिक को भी यहाँ पे पीछे छोड़ता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्वार्टर के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप देखोगे लास्ट चार क्वार्टर, तो आपको समझ में आएगा कि एशियन ग्रेनाइट और इंडिया लिमिटेड का जो स्टॉक का सॉरी कंपनी का जो सेल्स है वो डाउन हुआ है जून क्वार्टर में कंपेयर टू मार्च क्वार्टर, और लास्ट ईयर के जून क्वार्टर से भी कंपेयर करें तो वहां भी तो मतलब एकदम फ्लैट ही मान के चल सकते हैं कि फ्लैट ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है साल दर साल, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर घट गया है। अदर इनकम कंपनी को नहीं हुआ है। डिप्रिसिएशन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंपनी एक्सपांशन मूड में है, और इंटरेस्ट कंपनी ने यहां पे इंटरेस्ट कम पे किया है इस क्वार्टर लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन, और टैक्स जो ये पे करते हैं तो यहां पे देख सकते 117% माइनस में टैक्स पे किए, जिसके कारण यहाँ पे कंपनी प्रॉफिट में दिखाई पड़ रही है, अन्यथा यहाँ पे 2 करोड़ के लॉस में ही यहाँ पे कंपनी देखने को मिल रही थी। तो ये बेसिक डिटेल थी। साल दर साल भी अगर कंपनी का यहाँ पे आप सेल्स देखोगे तो एकदम फ्लैट ही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम ही है, 50 से 57 करोड़ हुआ है। नेट प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो -20 करोड़ से कम होके -16 करोड़, तभी कंपनी लॉस मेकिंग है, बट फ्यूचर में ये अच्छा कर सकती है क्योंकि ये एक्सपांशन मोड में है। कैपिटल वर्क इन प्रोसेस में कितना पैसा है वो भी देखना बहुत जरूरी होता है। 117 करोड़ पहले था पूरा का पूरा यहाँ पे
कन्वर्ट हो गया, यानी फैक्ट्री जो है, नया प्लांट जो लगा है वो ऑपरेशन में आ गया है। कंपनी के पास जो रिजर्व है वो यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, रिजर्व बढ़ा, साथ ही साथ यहाँ पे जो कंपनी का फिक्स एसेट्स है वो भी बढ़ा, क्योंकि नया प्लांट डाला तो कंपनी ने लैंड एक्वायर किया होगा, इन्वेस्टमेंट प्लांट इन मशीनरी, तो ये सारी चीजें मिला के यहाँ पे फिक्स एसेट्स कंपनी के पास इंक्रीज हो रहा है, और कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो यहाँ पे अभी कम किया है 23 करोड़ के आसपास। तो ये बेसिक डिटेल थी। कैश फ्लो अभी यहाँ पे निगेटिव बना हुआ है, और इन्वेस्टर की बात कर लेते हैं, प्रमोटर के पास जो माल है वो यहाँ पे 29% है, और FII के पास यहाँ पे 2% स्टेक है, DII के पास यहाँ पे अभी स्टेक नहीं है, और मैक्सिमम जो होल्डिंग है वो यहाँ पे पब्लिक के पास है 67-68%। तो ये चीजें यहाँ पे एक चीजें हैं, कंपनी अभी लॉस में है, तो जैसी कंपनी प्रॉफिट में आना चालू होगी तो यहाँ पे तेजी से मूवमेंट शेयर प्राइस में होना चालू हो जाएगा। शेयर प्राइस में मूवमेंट होना चालू हो गया क्योंकि FII को चीजें पता होती हैं, जो बड़े प्लेयर हैं उनको सारी चीजें पता होती हैं, तो हो सकता है ये स्टॉक आए रिट्रेस करे इस लेवल के आसपास, 86 के लेवल के आसपास रिट्रेस करे, उसके बाद फर्दर अपसाइड यहाँ पे दे। तो ये चीजें हैं। और अगर एक चीज और बताएं यहाँ पे, अगर एशियन ग्रेनाइटों में आज की डेट में हम कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे अगर हम माने इसके हमने 1,000 शेयर बाई कर लिए किसी प्राइस पे भी, 90 के प्राइस पे, तो आज का इन्वेस्टमेंट जो होगा 90,000 के आसपास का होगा, और इसका ऑल टाइम हाई भी अगर अचीव हो जाता है, क्योंकि सेल्स कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, सिर्फ प्रॉफिट का बस दिक्कत है, प्रॉफिट जैसे ही आने लगेगा तो ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास काम काज करने लगेगा, तो 4 टाइम्स भी माने अगर 2 ईयर में भी आ जाते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट आपका इन्वेस्टमेंट 4 टाइम्स हो सकता है, 3,60,000, 90,000 का जो इन्वेस्टमेंट है वो 3,60,000 में कन्वर्ट हो सकता है। जिन लोगों को वीडियो समझ में आता है तो वीडियो को प्लीज लाइक किया करें, चैनल पर नए बने चैनल को सब्सक्राइब किया करें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लिया करें। ये जो वीडियो है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज से है, ना कि कोई इन्वेस्टमेंट कराने के पर्पज से। अपना इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसर्न जरूर किया करें, उसके बाद ही किसी स्टॉक में यहाँ पे निवेश करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।